श्री स्वामी विमुक्तानंद सरस्वती जी महाराज ऋषिकेश से इस यज्ञ में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। स्वामी जी महाराज अपनी सुविधा के, अपने अनुकूलता से जो आशीर्वचन हम सबको देकर के कृतार्थ करेंगे। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नो प्रशांते वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, वृंदावन देव की धाम की। बड़ा आनंद आ रहा था व्यास जी, सुंदर कथा के रसामृत में सराबोर कर रहे हैं सबको। ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि मनुष्य जीवन मिले और मनुष्य जीवन में ऐसा विवेक जग जाए कि उसकी कथा के प्रति हमारी रुचि हो जाए। समय तो किसी का इंतजार नहीं करता, घड़ी टिक टिक चलती रहती है, उसमें आप कैसे समय का यूज करते हैं वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। धन्य है ये यति लोग जिन्होंने ऐसी तपस्या करी, धन्य है वो माताएं। मेरा तो हृदय भर आता है जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी पांच भली व्यर्थ गवावे नूर। कब कहा? मां सुमित्रा ने कहा कहते हैं। कब बोला? जब लक्ष्मण जी वनवास के लिए आज्ञा मांगते हैं, पहले तो डरते हैं, प्रभु राम जी वनवास को जा रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है, मैं प्रभु के बिना कैसे रहूंगा, और माँ के पास जाता हूँ आज्ञा लेने के लिए। भगवान ने आज्ञा भी दे दी, जाओ आज्ञा लेकर के आओ माँ से, पर लगता है कि माँ रोकती हैं अगर तो मैं कैसे रहूंगा। पर जैसे ही माँ के पास जाते हैं, धन्य है वो माताएं, माता जैसे सुनती हैं माँ सुमित्रा कि लक्ष्मण वनवास को जाना चाहते हैं बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी के साथ, तो कहते कि बेटा मैं धन्य हो गई, आज मेरी कोख धन्य हो गई है, तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है कि तुम भगवान की सेवा के लिए जाओगे। 14 वर्ष वनवास में प्रभु रामचंद्र जी जाते हैं तो तुम सेवा करोगे। कहते हैं जहां राम तहां अवध निवासु,
जिस अयोध्या से राम जा रहे हैं वो अयोध्या किस काम की? अयोध्या, जहां युद्ध ना हो, जहां क्लेश ना हो, जहां द्वेष न हो, जहां राग न हो, जहां जलेशी न हो, जहां भ्रांति न हो, यही जीवन को हमें अयोध्या बनाना है। अब देखो कि यहां राम है या नहीं है। राम है हमारे आचरण, राम जैसे हो रहे हैं उनका अनुसरण कर रहे हैं हमने, इन्हें अपने जीवन को हमने अयोध्या बनाया है, या दूसरा क्या होगा? लंका बनाया। तो ये हमको अलर्ट करने के लिए संत हैं, महापुरुष हैं, ऐसे दिव्य विभूतियां हैं कि जिन्होंने अपने माता पिता के संस्कारों को शिरोधार्य करके, उनको अपने आचरण में ला करके और अपने जीवन में ऐसा तप किया है। ये भी बहुत बड़ी साधना है, मन को शुद्ध मार्ग पर लगाना, क्योंकि ये सूक्ष्म मार्ग है ना, अध्ययन में लगाना, साधना में लगाना, भक्ति में लगाना, ये ऐसा ही नहीं निखरता है। कहने को लोग कितनी बातें बना दें। तो ये जो अपनी जो तपस्या है, तप है, हम सोचते हैं कि हजार वर्ष जो जंगलों में एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते हैं वही तप है, शारीरिक तप है। पर जो मन का तप है उसको साधना में, अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में तप करके और फिर उस अमृत को बांटना, अपने मन को अमृतमय बना लेना। कहा ये शुद्धता, अगर अंतःकरण को हम शुद्ध करते हैं, अंतःकरण की साधना करते हैं, तो ये हमें सूक्ष्म मार्ग में वहां तक ले जाता है, उसमें रिजोल्व कर देता है जहां से इसका उद्गम हुआ है। कहा सूर्य चंद्रमा की गति नाही, सूर्य चंद्रमा की गति नाही, बुद्धि सके नहीं जाए, सूर्य चंद्रमा की गति नाही, बुद्धि सके नहीं जाए। अभी आप सुन रहे थे नेति नेति कह वेद थके सब, नेति नेति कह वेद थके सब, बैठे अकुलाए ज्ञानी बिन कौन सुझावे, संत बिन कौन सुझावे, अगम कंत को पंथ कंत बिन, अगम कंत को पंथ संत बिन, अगम कंत को पंथ संत बिन, कौन सुझावे रे ज्ञानी बिन कौन सुझावे। वो अगम कंत है, पर डरना नहीं है, मनुष्य ही उसका अधिकारी है और हमारे समक्ष अनेक उदाहरण हैं। इसलिए हमारी वृत्ति बहिर्मुखी रहती है और ये जगत बनाया ही ऐसा है। परांचिखानी स्वयंभू, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है और ये स्वाभाविक ही है कि विषयों की ओर रत रहते हैं। और जब प्रकाश होता है, जब समझ आती है, जब सत्संग होता है, जब कथा होती है, जब भागवत की इस अमृत धारा में हम स्नान करते हैं, ये मन जब डुबकी लगाता है, भीगता है, एक शरीर से रहना होता है, एक मन से रहना होता है, जब मन इसमें भीग जाता है तो इसमें प्रकाश जगता है, यानी विवेक जगता है कि हमारा लक्ष्य तो बहुत महान है, हमें छोटी मोटी चीजों में उलझ गए हैं, हमारे जीवन का ध्येय बहुत ऊंचा है,
बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, देवताओं ने भी गाया इसकी मैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सारे बंधनों से मुक्त हो सकते। मुक्त का मतलब घर छोड़ना नहीं, सोच लेना। उस भक्ति में ऐसा सराबोर हो सकते हैं जहां से इस मन का उद्गम हुआ है उसी में रिजॉल्व हो जाना। तो जब ये विवेक समझ आती है तो फिर हम तभी तो अपनी सीढ़ी को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी उसमें कदम रख पाएंगे। अनेक महान पुरुष आए इन इस तत्व को ही समझाने के लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाते हैं और सारी गीता का ज्ञान। भगवान सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञान देते हैं और देखो सातवें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। क्या हमारा सनातन धर्म जो है बड़ा गहन है, अथाह है, अनंत है, असीम है, जिसको कहा फुल एंड कंप्लीट। वह तत्व सभी का, सर्वस्व का, पूर्ण विश्व का कहो, पूर्ण ब्रह्मांड का कहो, जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उस सब का अधिष्ठान है। तो माताओं, भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसी अमृत धारा में स्नान कर रहे हैं और निरंतर जो है आप 7 दिन इस गंगा में स्नान करेंगे, प्रभु की उस महिमा को, अमृतमयी महिमा को श्रवण करेंगे। जरूर उसमें मनन भी करना, मनन करके एक एक, मैं तो कहती हूँ कि एक एक दिन में अगर एक एक गुण को ग्रहण करेंगे और एक एक अवगुणों को छोड़ने की कोशिश करेंगे, इसी को तो विवेक का प्रकाश कहते हैं। हम देख पाते हैं कि मेरे अंदर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। यही तो हमें भागवत सिखाती है, यही तो हमें गीता सिखाती है। क्या मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं इनको दूर करने का प्रयास करूं। मेरे प्रभु मेरे हृदय में वास करेंगे। कहां वास करेंगे वो? जहां शुद्धता होगी, जहां पवित्रता होगी, जहां आनंद होगा, जहां ध्यान होगा, जहां प्रेम होगा। तो प्रेम के तत्व को पहचानने की कोशिश करनी है। एक होता है अटैचमेंट और एक होता है लव। तो अटैचमेंट जहां है वहां लेने की रहती है हमेशा, ये नहीं तो ये पूरा होना चाहिए, ये नहीं तो ये करा, ये ऐसा करो, इसको ऐसा ही होना चाहिए, वहां द्वेष आ जाता है, वहां खिन्नता आ जाती है। लेकिन जहां लव है, जहां सच्चा प्रेम है, वहां केवल देने का होता है। एक माँ अपने बालक को वो जीवन दे देगी पर उसकी रक्षा करेगी। ऐसे ही हमारे प्रभु जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, संपूर्ण जो है सृष्टि के, अनंत ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, कितना बड़ा त्याग अगर हम ऐसे इस रूप में लें कि वो प्रकट होकर के धरती पे आते हैं और गवें चराते हैं, लीलाएं करते हैं, मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो वो प्रेम के वश, वो है प्रेम। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, इसलिए ही प्रभु आपके चरण कमलों में हमारा तन मन और मेरी मति, मेरी गति, मेरी रति आपके चरणों में रत हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना व्यास जी की और मनन करना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। हो सके तो यहाँ से जब घर जाते हैं, जो बीच का समय होता है, कुछ न कुछ उसमें नोट करते रहना है। मन है इसमें तो क्या है ना कि कुछ भी डालो फिसल जाता है, कोशिश करना उसको लिख लें और जरा भी देखोगे तो फिर बार बार हमको याद आती है
कोशिश करना, प्रयास करना बहुत मुश्किल है। इस मन को एक जगह से दूसरी जगह सेट करना बुराई की तरफ इसलिए जाता है, स्वभाव है। पानी नीचे की तरफ अपने आप आता है, लेकिन अगर ऊपर आपको 10 मंजिल, 4 मंजिल, 2 मंजिल जिसमें भी आपको अगर ऊपर चढ़ाना है तो वहां मोटर बिठानी पड़ती है, हैवी पावर की, तब वो पानी ऊपर चढ़ता है। ऐसे अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ता है, तो वो प्रयास आपको स्वयं करना होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन परिवर्तन हो रहा है, मेरे जीवन में सारे सदगुण आ रहे हैं, मेरे जीवन के सारे दुर्गुण जा रहे हैं। आप बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, जब ध्यान करें, थोड़ा मनन करें, ध्यान करें और बैठते हैं, तो आप प्रयास करते हैं कि हमारी जब श्वास बाहर जा रही है तो हमारी सारी जो बैड एनर्जी है, जो नेगेटिव विचार हैं, वो बाहर जा रहे हैं। और जब श्वास लेते हैं तो आप ध्यान करें कि अंदर सारी शुद्ध हवा, पॉजिटिव जो एनर्जी है वो अंदर आ रही, तो आपको फील होगा कि आप फुल उस एनर्जी से, उस शक्ति से भर रहे हैं। कहने का मतलब अपने पे थोड़ा सा टाइम देंगे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे, ताकि घर के लोग भी सोचें कि हाँ, भागवत में गए हैं तो कुछ बदल के आए हैं। तो घर स्वर्ग हो, जीवन स्वर्ग हो, जीवन अयोध्या हो, जीवन वृंदावन हो, घर वृंदावन होगा और अड़ोस पड़ोस होगा, राज्य होगा, देश भी हो जाएगा। शुरुआत तो पहली कदम अंदर से करनी होगी, इसलिए दो लाइन है, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद।
का आनंद लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।